दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल सिविल प्रैक्टिकल अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दीमक को लेकर कि दीमक घरों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है और घर बनाने से पहले फाउंडेशन डालते वक्त दीमक से बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज को हासिल कर सकें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने कभी जंगल या मैदान में कुछ इस तरह के मिट्टी के टीले तो देखे होंगे, यही दीमकों के प्राकृतिक घर होते हैं और घरों में भी कुछ इस तरह के निशान आपने देखे होंगे। ये सब दीमकों के द्वारा ही किया गया होता है। दीमक लकड़ी के साथ साथ कंक्रीट और ईंट को भी अपना भोजन बनाती है और ये सब दीमक अपने शक्तिशाली जबड़ों के द्वारा करती है। दोस्तों दीमक के पनपने का सबसे बड़ा रीजन होता है नमी, इसलिए बरसात के समय में सबसे ज्यादा पनपती है। इसलिए दोस्तों घर बनाते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा घर नमी से मुक्त हो और बिल्डिंग में इन तीन स्थानों पर हम आपको बताएंगे कि दीमक से हम किस तरीके से बच सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला फाउंडेशन में जब हम कॉलम खड़े करने के लिए गड्ढे खोदते हैं उसमें भी हमें दीमक का उपचार करना है। दूसरा मिट्टी और फाउंडेशन के बाहरी जोड़ पर, और तीसरा है दोस्तों फर्श लेवल पर फर्श डालने से पहले। इन तीन स्थानों पर दीमक से बचाव के लिए हमें कार्य करना होता है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली फाउंडेशन में हम किस तरीके से दीमक का उपचार करें। तो दोस्तों कॉलम खड़ा करने के लिए जब हम गड्ढा करते हैं और गड्ढा करने के बाद पीसीसी डालने से पहले हम उसके अंदर 1 से 1.5 फीट होल करते हैं और होल करने के बाद दोस्तों इसमें एंटी टर्माइट केमिकल जो मार्केट में अवेलेबल हैं आसानी से मिल जाते हैं उनको फिल कर देते हैं। यदि आप दोस्तों केमिकल के स्थान पर किसी और चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो है सबसे अच्छी दोस्तों नमक। नमक से भी दीमक दूर होती है। तो इस तरह से फाउंडेशन में आप दीमक का उपचार करने के लिए नमक या मार्केट में बहुत सारे केमिकल अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां कॉलम खड़े करने हैं वहां पर भी और जहां पर आप चिनाई के लिए नींव खोदेंगे उसमें भी आपको मिट्टी में ही वो केमिकल डालना होगा। दूसरा दोस्तों मिट्टी और फाउंडेशन का जो बाहरी जोड़ होता है, हमारे घर का बाहरी हिस्सा, वहां पर भी आपको केमिकल का स्प्रे करना चाहिए। और तीसरा है दोस्तों फर्श लेवल पर। फर्श डालने से पहले मिट्टी में हम दो तरह के दीमक के उपचार करते हैं, नंबर एक होल सिस्टम और दूसरा है पाइपिंग सिस्टम। होल सिस्टम में दोस्तों क्या होता है कि 1-1 फीट की डिस्टेंस पर होल कर लिए जाते हैं, 1.5-1.5 फीट 1-1 फीट, उसके बाद फिर उसके अंदर केमिकल भर दिए जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और पाइपिंग सिस्टम में क्या होता है, पाइपिंग सिस्टम में दोस्तों पूरे फ्लोर पर पाइप बिछा दिए जाते हैं और फर्श और दीवार का जो जोड़ होता है उस पर भी पाइप बिछा दिया जाता है, बिल्कुल एक टर्मिनल बनाया जाता है दोस्तों, जिस तरीके से उस पाइप में एक बारीक बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसमें जो है समय समय पर केमिकल फ्लो कराया जाता है, भरा जाता है, वो धीरे धीरे निकलता रहता है। तो उससे सबसे अच्छे तरीके से दीमक से बचा जा सकता है। हालांकि दोस्तों ये मेथड जो है सबसे ज़्यादा महंगा होता है लेकिन ये 100% दीमक को रोक देगा अगर किसी इलाके में दीमक की समस्या सबसे ज़्यादा है तो। यदि आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो अपने आस पड़ोस में दीमक की जानकारी हासिल करें कि उस इलाके में दीमक की दिक्कत है या नहीं। यदि दीमक की दिक्कत है तब आप वीडियो में बताए गए इन तीन स्थानों पर उपचार जरूर कराएं। और यदि दीमक की दिक्कत नहीं है दोस्तों तो आप फाउंडेशन में आप केमिकल जरूर डालें। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम उसे और अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें क्योंकि इससे रिलेटेड ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। मुलाकात करते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।